अभी तो फिलहाल कोई भी नहीं नहीं अभी मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ उनके साथ, तो आई कांट डिसाइड। इलाही बहुत ही पैशनेट है अपने ड्रीम्स को लेकर, नेहा भी बहुत पैशनेट है। मैं रियल लाइफ में तो सिंगर नहीं बन सकती, पर इस किरदार के साथ तो मैं बहुत कुछ सीख सकती हूँ। बचपन से ही मेरे पेरेंट्स को पता था कि मुझे एक्टर बनना है, और वो बचपन से ही बहुत सपोर्टिव रहे। शाहिद कपूर इज माय फेवरेट। हमारी पूरी टीम बैठती है, हम रिहर्सल करते हैं, चाहे 5 बार करे, 2 बार करे, 10 बार करे, लेकिन जब तक फाइनल टेक अच्छा ना आए और हम दिखे ना कि नेहा नहीं दिखनी चाहिए, इलाही दिखनी चाहिए, तब तक हम लोग टेक्स करते हैं। और ऑफ कोर्स आई एम अ म्यूजिशियन, आई एम अ क्लासिकल सिंगर, तो एक बॉडी लैंग्वेज अलग होती है, एक फैमिली के साथ, बीजी के साथ, पापा के साथ बॉन्डिंग अलग है, तो उस तरीके से वो इमोशन को किस रिदम में लेके जाना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तो फिलहाल कोई भी नहीं कोई भी नहीं अभी मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ उनके साथ, तो आई कांट डिसाइड। ठीक है, या इलाही किरदार बाकी के जितने किरदारों से निभाया उससे कैसे अलग है? बाकी किरदारों से अभी तक मैंने ग्रे शेड प्ले किए थे, शी इज अ वेरी पॉजिटिव एंड बहुत ही लविंग गर्ल है, सब इसे बहुत प्यार करते हैं और ये सबसे बहुत प्यार करती है, सबके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। इलाही बहुत ही पैशनेट है अपने ड्रीम्स को लेकर, नेहा भी बहुत पैशनेट है अपने ड्रीम्स को लेकर। जुनून, अगर आपको म्यूजिक पसंद है और आप गाते हैं, मेरी तरह मुझे बचपन से म्यूजिक बहुत पसंद है, और जब मेरे पास स्टोरी आई थी तो मैं आपको बता नहीं सकती, मैं बहुत खुश थी और मैंने सोचा कि मैं रियल लाइफ में तो सिंगर नहीं बन सकती, पर इस किरदार के साथ तो मैं बहुत कुछ सीख सकती हूँ। घर में ही कंपोज करने वाला कोई होता है? यस। अपने घर में कोई है? नेहा की फैमिली में नो, बचपन से ही मेरे पेरेंट्स को पता था कि मुझे एक्टर बनना है, और वो बचपन से ही बहुत सपोर्टिव रहे। अच्छा, सब कुछ जानते हैं ना, हमारे जो क्विकीज होते हैं ना, क्विकीज में आप बता दीजिए अपने बारे में, अपना बायोडाटा, अपनी लाइकिंग्स, अपनी डिसलाइक, फूड लाइक, आप एक एक करके पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगी। Qualifications? Qualification, I have done my graduation in Bachelor's of Mass in Media. Wow. Yes. So, उसके बाद बनना क्या था, एक्टर? पढ़ाई? Yes. मैंने graduation अपने parents के लिए की, मुझे नहीं करनी थी graduation. Siblings? I'm the only child. Only child. तो Valentine's? Valentine's? जो मनाया गया हो. वो मैंने अपनी family के साथ बनाया. Valentine's, so it's all about love, celebrating love. I was celebrating love with my family. People can get lucky. तो जो हमारे viewers हैं उनके लिए ऑप्शन है कुछ? There is no option. तो अपनी हाइट बता दीजिए, अपना फूड जो आप पसंद करते हैं वो बता दीजिए। मुझे घर का खाना बहुत पसंद है, सिंपल खाना, मम्मा के हाथ की दाल रोटी। और म्यूजिक सुनती हूँ मैं? किस तरह का म्यूजिक? मैं इंडियन म्यूजिक सुनती हूँ, मुझे प्रतीक बहुत बहुत अच्छे लगते हैं, और मुझे अरिजीत, मुझे रोमांटिक्स, और मुझे अलग अलग जॉनर्स एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। आपको बहुत पसंद है? वैसे ही बहुत, मैं बोलूँगी कि शर्म की बात है कि मैंने पूरा इंडिया नहीं घूमा है अभी, लेकिन मुझे पूरा इंडिया घूमना है, मुझे अपने इंडिया से बहुत प्यार है, और आई थिंक इटली इज माय फेवरेट। यस, मैं दोबारा जाना चाहूँगी। और कौन से एक्टर को फॉलो करते हैं? एक्टर को? एक्टर आई थिंक शाहिद कपूर इज माय फेवरेट। फैमिली मेरी यहीं पे है सर। यस। कौन सी मूवी लेटेस्ट आपने देखी है? लेटेस्ट एक्शन हीरो। कौन सी देखी है? एक्शन हीरो। एक्शन हीरो? यस। अच्छा, मार्वल की मूवीज पसंद है आपको? मार्वल्स या बच्चों वाली मूवीज देखती हूं? नहीं, एनिमेटेड मैं देखती हूं। एनिमेटेड देखते हो अभी भी? यस, एनिमेटेड डेथ नोट अगर आपने देखा हो तो इट्स अमेजिंग। जुनूनियत जो शो है वो एक म्यूजिकल लव स्टोरी है, और ये 3 म्यूजिशियंस की स्टोरी है जिनको एक रॉकस्टार बनना है, और हर तीनों का अलग-अलग मोटिव है। जैसे इलाही को अपनी मदर को वापस लेकर आना है, और
जहान को अपने पेरेंट्स पे जो ब्लेम लगे हैं उन्हें ख़त्म करना है, और जॉर्डन को प्रूव करना है अपने फादर को दैट ही इज़ केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग. तो आप प्लीज़ प्लीज़ हमारा ये शो देखिए, हमने बहुत जुनून से बनाया है, वी आर फॉलोइंग आर पैशन. और अगर आपको म्यूज़िक पसंद है तो आप ज़रूर देखिए, ओनली ऑन कलर्स 8:30 PM. प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक इट एंड फॉलो आर शो जुनूनियत. थैंक यू.